अब जितने भाई हमारे से सोचते हैं कि भैया तगड़ी बॉडी बनाऊंगा कटिंग वाली, तो भाई एक चीज़ आपको बताऊं, बॉडी तो कभी मेंटेन होनी ही नहीं पूरी ज़िंदगी में। आप आर्नोल्ड को देख लो, आप रोनी कोलमैन को देख लो, आप जे कटलर को देख लो, सब खुश पड़े हैं, एट दी एंड जाके बॉडी तो खराब होनी होनी है। बात क्या है, बात यह कि जितनी तगड़ी आपको बॉडी बनानी है उतना ही तगड़ा आपको माल लेना पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देखने पड़ेंगे, उतने ज़्यादा मूड स्विंग्स, उतने ज़्यादा झगड़े। आप दूसरे स्पोर्ट्स को देखो, कभी क्रिकेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड देखा, बॉडी बिल्डर हर टाइम इरिटेटेड रहते हैं, क्यों ना रहे? खाने में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट, अंडे खा रहे हैं, उबला हुआ चिकन खा रहे हैं, उबली फिश खा रहे हैं, उबला उबला खा रहे हैं, पीछे से दर्द, अंदर से चीज़ें खत्म हो रही हैं, बॉडी सिग्नल दे रही है कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी। पर हम उसको इग्नोर करके कि यार नसें तो निकल रही हैं, कट तो आ रहे हैं, थोड़ी सी और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और के चक्कर में एट द एंड डेथ ही देखने मिलती है।